Good morning, sir. Good morning, all of you. Today's my presentation topic is the physiotherapy role in osteoarthritis. My name is Mamta Kumari from BBT department, 6th semester student. Good morning, sir. Good morning, all of you. My name is Shweta Kumari and I am final year student, 8th semester. Guided by Dr. Ajit Surana. Okay. So, पहले तो हम जानेंगे ऑस्टियोआर्थराइटिस होता क्या है, ठीक है? ऑस्टियोआर्थराइटिस, ऑस्टियो मींस बोन और आर्थराइटिस मींस इन्फ्लेमेशन. ऑस्टियोआर्थराइटिस मेनली कार्टिलेज के डैमेज होने से होता है और डिजेनरेशन के कारण होता है. ओके. और ऑस्टियोआर्थराइटिस में देख सकते हैं यहाँ पे, ये हमारा कार्टिलेज है और ये भी कार्टिलेज है, लेकिन ये नॉर्मल ज्वाइंट है और ये अफेक्टेड ज्वाइंट है. नॉर्मल ज्वाइंट में हम देख सकते हैं कि कार्टिलेज नॉर्मल है और अफेक्टेड ज्वाइंट में कार्टिलेज डैमेज हो चुका है और एडहेशंस फॉर्मेशन हो चुके हैं. और इसमें क्या है कि ये ज्वाइंट रिडक्शंस नहीं हुआ है नॉर्मल ज्वाइंट में, और अफेक्टेड ज्वाइंट में ज्वाइंट स्पेस रिडक्शन हो चुका है. ओके. सो अब हम जानेंगे कि इसका कॉज क्या होता है. कॉज ये होता है कि विटामिन डी डिफिशियंसी के कारण ये हो सकता है, ओवरवेट के कारण हो सकता है. मेनली ये शुगर के पेशेंट में दिखा जा सकता है क्योंकि वो ओवरवेटेड होते हैं और ये हमारे कॉज होता है. और ये कॉम्युनिस्ट डिसऑर्डर्स है, ये मेनली वुमेन में होता है. ओके. स्टॉप. अब मेनली हम इसके सिम्टम्स देखेंगे. सिम्टम्स क्या होते हैं? सिम्टम्स होते हैं कि ज्वाइंट में पेन आएगा और जहाँ पे अफेक्टेड एरिया है नी के अराउंड रेडनेस होगा, स्वेलिंग होगी और वहाँ पे टेंडनेस यानी स्टिफनेस भी होगा वहाँ पे, ठीक है? और हम जब सीढ़ियाँ चढ़ते हैं तो उस समय ज़्यादा पेन होगा, और फिर हम जब बैठ के लॉन्ग सिटिंग में हम फिर उठते हैं, खड़े होते हैं, तो उसमें हमारा क्रैकिंग का साउंड आता है जिससे कन्फर्म होता है कि हाँ हमारा मतलब कि ऑस्टियोआर्थराइटिस फॉर्म हो चुका है, ऑस्टियोआर्थराइटिस हो चुका है. ओके. तो अब हम इसके इन्वेस्टिगेशन कैसे करेंगे? तो मेनली हम लोग फिजियोथेरेपी में इन्वेस्टिगेशन ऐसे करते हैं कि वहाँ पे जो मीडियल साइड में होता है नी के, वहाँ पे हमारा टेंडरनेस होता है, वहाँ पे फील करने पे मीडियल साइड पे टेंडरनेस हमें फील होगा. ओके. और वहाँ पे देख सकते हैं कि वहाँ पे रेडनेस होगा और स्वेलिंग हो रहेगी. अब हम लोग पीटी मैनेजमेंट पे जाते हैं. पीटी मैनेजमेंट मेनली हम लोग का फिजियोथेरेपी का रोल क्या होता है कि उसमें हम लोग फिजियोथेरेपी का रोल होता है कि हम लोग टू पार्ट में ट्रीटमेंट डिवाइड करते हैं. एक तो एक्सरसाइज ट्रीटमेंट होता है और एक इलेक्ट्रिक ट्रीटमेंट होता है. एक्सरसाइज ट्रीटमेंट में हम क्या करते हैं, हम लोग मसल्स जो वीक हो चुके हैं उसका स्ट्रेचिंग करते हैं और फिर हम लोग स्ट्रेंथनिंग करते हैं मसल्स का. सो हम लोग कैसे करेंगे, हम विद द हेल्प ऑफ टॉवल, ये हमारा थायरॉइड ट्यूब है और ये वेट कप है जिसके थ्रू हम लोग स्ट्रेंथनिंग करेंगे आइसोमेट्रिक. ओके. सो लेट्स गो. हम लोग इसमें हैमस्ट्रिंग का हम लोग 46 का हम लोग कराते हैं ना आइसोमेट्रिक्स. ओके. तो हम लोग नी के नीचे टॉवल को प्रेस रखेंगे और पेशेंट को बोलेंगे कि नीचे की तरफ प्रेशर लगा. आप नीचे की तरफ प्रेशर लगाओ. तो यहाँ पे हमारा स्ट्रेच आएगा जिससे कि क्वाड्रिसेप्स का स्ट्रेंथ बढ़ेगा. ओके. और नेक्स्ट हम लोग कर सकते हैं कि ये हमारे जो हील है वहाँ पे टॉवल रख सकते हैं और फिर पेशेंट को बोलेंगे प्रेस करने के लिए. इससे हमारे ग्लूट्स और हैम्स का स्ट्रेंथनिंग होगा, स्ट्रेचिंग होगी. ओके. आप प्रेस करो, कंधे को ऊपर की तरफ करके प्रेस करो. यहाँ पे हमारा ग्लूट्स के पास और हैम्स के पास स्ट्रेचिंग आएगी. ओके. और नेक्स्ट हम लोग वेट का यूज कर सकते हैं. तो पेशेंट को हम लोग बोलेंगे कि आप सिटिंग पोजिशन में आ जाओ, सिटिंग आ जाओ, पैर नीचे की तरफ, वेट कप लगा दीजिए. और पेशेंट को बोलेंगे थोड़ा एज भी आ जाए, उसके बाद से पैर को ऊपर की तरफ लेके जाओ. ये पैर को ऊपर की तरफ लेके जाएगा, होल्ड करेगा 5 to 10 seconds, उसके बाद से फिर रिलैक्स करेगा. इससे भी हमारा क्वाड्रिसेप्स और हैमस्ट्रिंग जो होता है वो स्ट्रेंथनिंग होती है. ओके. नेक्स्ट हम लोग थायरॉइड ट्यूब यूज करेंगे. आप ये सारी जो हमारी एक्सरसाइजेस हैं वो आइसोमेट्रिक है. और अपनी तरफ खींचते खींचते पैर को स्ट्रेट करो.
हिप स्ट्रेचिंग कराते हैं। ये हमारा जो है कि आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेस हैं। थैंक यू।